श्रद्धा ना इस फिल्म में बास्केटबॉल खेल रही हैं और अर्जुन से भी खेलने को कहती हैं। अर्जुन और श्रद्धा दोनों को पांच पांच चांस देंगे। जी सर। अरे बाप, जिसने ज्यादा बार डाल लिया। चलिए सर, लेके आओ फटाफट। हमने सही कपड़े पहने ये गेम खेलने के लिए ऑब्वियसली। रेप्यूटेशन का सवाल है, कपड़े साथ नहीं दे रहे। उधर ही चले जाओ, ऊपर सीढ़ियां चढ़ के डाल दो। बहुत करीब हो गई ना, ये तो चीटिंग। अभी बगल में जाके भी नहीं हुआ। तो एक पॉइंट से अर्जुन कपूर आगे चल रहे हैं। गया। श्रद्धा ने पूरी श्रद्धा से नहीं खेला है। अब एक भाई एक से बराबर। अर्जुन के पांच, दोनों हाफ हाफ जीते हैं। एक्चुअली कपिल सर मारिया ना। अंदर गया, गिरा टोकरी में ही है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी पॉपुलर, प्लीज वेलकम मिस्टर चेतन भगत। गर्लफ्रेंड, आपकी तो हर बुक पे आजकल फिल्म बन रही है। आजकल हर, हाँ जब बुक आई थी तो आपके वो एक और चैनल पे शो होता था आपका वहाँ। हम आए थे आपसे मिलने। हाँ हाँ बिल्कुल सर, आए थे वो फिल्म। और अब ये आ गए देखो। और उस समय हाफ गर्लफ्रेंड का जिक्र हुआ था, ये बात है 2014 की। 2017 में बनाई थी, हाफ गर्लफ्रेंड का फुल होने का वेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सोचा था बनाएंगे पर हमें अच्छी हाफ गर्लफ्रेंड मिल नहीं रही थी। हमने पूरा मुंबई छान मारा, पूरा इंडिया छान मारा, फिर फाइनली सबसे सुंदर हाफ गर्लफ्रेंड। भाजी आपको पता है चेतन ने पढ़ाई जो है इंजीनियरिंग की है, उसके बाद अपना इन्होंने राइटिंग में इतना अच्छा मुकाम बना लिया। अच्छा मैं आपको ये बिजनेस सिखाया कि इसने, पहले तो आप कोई नॉवल लिखते हैं, पहले तो वो बेच के पैसे कमाते हैं, उसके बाद प्रोड्यूसर को राइट बेचते हैं। हाँ। अभी आप खुद भी प्रोड्यूसर बन गए, तो इंटरवल में जो खाने पीने का सामान बिकता है उसको भी चाय पॉपकॉर्न भी। तो कल को मैं ये भी काम मेरे मेरे प्रोडक्शन के अंदर ही होना चाहिए। अब आपने पूछ लिया तो मैं बता दूं, लेकिन हमारी थिएटर चेन से डील है, इंटरवल में पॉपकॉर्न के साथ बुक्स भी मिलेंगी मेरी। अच्छा ये भी होगा गर्लफ्रेंड? हाँ। अब मालिक एनीवे, तो ये दोनों ने आई मस्ट से कि बहुत अच्छा काम किया है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई हमारी फिल्म है, मतलब क्योंकि इतने ये बुक जो है करोड़ों लोगों ने पढ़ ली थी और अब उनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब आप एक किताब पढ़ लेते हो कि यार अब ये कैसे करेंगे जी। बट मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब मैंने जब फिल्म देखी तो मैं हैरान हो गया कि इन दोनों ने इतना अच्छा काम कैसे कर लिया। तो आपको क्या लगता था कि अच्छा काम नहीं करते? नहीं, अच्छा तो करते हैं। प्रोड्यूसर हो तो ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना जाता है। जितनी भी फिल्में बनी है मेरी बुक्स पे अच्छी ही बनी है और बहुत ध्यान से हम बनाते हैं। मोहित ने भी 3 साल लगा के फिल्म बनाई है। नॉर्मली वो साल में एक पिक्चर बना देते हैं जी। वो सिर्फ इसीलिए कि उनको ये ध्यान रखना है कि जो रीडर्स हैं बुक के उनको भी अच्छा लगे। और अब मैंने क्योंकि फिल्म देख ली है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, कोई टेंशन नहीं होगी। आप आराम से जाइए, पिक्चर देखिए, मस्त आएगा। अच्छी बात है भाई। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 13 मिनट और 10 गाने? नहीं नहीं, 10 गाने नहीं है। किसने बोला हमें 10 गाने इसमें? एल्बम में 10 गाने, वही को एक गाने का अदर वर्जन, एक गाना श्रद्धा जी गा रही है। श्रद्धा जी इतनी रिस्पेक्ट पूरी पिक्चर में नहीं दी। एक एक लाइन अगर श्रद्धा जी। यार ये डिमांड प्रोड्यूसर साहब की तरफ से आई है। मैं तो माइक भी साथ लाया हूँ। म्यूजिक के बिना आवाज अगर डोमिनेट करे तो फिर वो बहुत अच्छा है। और जब भी श्रद्धा गाती है मैं देखता हूँ ना, आंखें बंद हो जाती हैं। और जब आंखें बंद हो जाती है ना, उसका कारण है, आंखें बंद होने का कारण है कि वो आत्मा से जुड़ के गाती है। और जो चीज रूह से आती है ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज असर रखती है। फैसल बच्चा मन का सच्चा सर, हाउ आर यू? नमस्ते 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 से तुझे। ये लीजिए, आज मानना पड़ेगा सर। क्या? सब 2 नंबरी लोग एक साथ आ गए। नहीं नहीं, आप सोच रहे होंगे 2 नंबरी को, आई टेल यू। ये देखिए, इनके पास आस्की 2 है, इन दोनों के पास 2 स्टेट्स है, इनके पास 2 मिनिस्ट्रीज है। हम तो पहले से 2 के बराबर है और ये आदमी 2 मच है। लीजिए। वैसे चेतन सर बड़ा मजा आता है सर, आपका वो किताब हम पढ़े,
मानना पड़ेगा सर, आपका हैंडराइटिंग इतना कमाल का है ना, दूसरी किताब पढ़ो। नहीं, बहुत कमाल का राइटिंग, ऐसा लगता है जैसे एकदम प्रिंट हुआ है जैसे। अरे प्रिंट हो गई आती है तो वही बात बोले ना हम। ऐसा लगता है कि प्रिंट हुआ है क्योंकि प्रिंट होके आया है। हम क्या फालतू बात कर रहे हैं यार, सेम बात बोले हम। लेकिन सर आपका वो पुस्तक बहुत अच्छा था, वो अपना वो ये वाला जो था अपना एक रात बातचीत के केंद्र में, ओहो मजा आ गया। ये कौन सी पुस्तक है? अरे वन नाइट एट कॉल सेंटर यार। सर ये देखिए, ये आदमी अंग्रेजी प्रॉब्लम, हिंदी प्रॉब्लम, उधरू प्रॉब्लम है, फुल प्रॉब्लम देश में उधरू उधरू वही भाषा। लेकिन सर हम चाहते हैं ना कि आप ना हमारे लिए हमारी भी एक बायोग्राफी लिख दीजिए। प्यार हुआ है आपको? चार या पांच पकड़ लीजिए, हुआ तो है। और एक बार तो अपना हमारी भैंसिया ही है, वेरी स्वीट शी इज। भैंस से प्यार हो गया? नहीं नहीं, मतलब इट्स अ रिलेशन, ये सर एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये वाले रिलेशनशिप को। पर जो तुम करोगे ना, हाँ वही तो तुम्हारी बायोग्राफी में लिखेंगे ना। अरे तो सर आप एक काम कीजिए ना, आप इतने कमाल के राइटर हैं, आपको जो लिखना है लिख दीजिए, वो सेम सेम चीज हम कर देंगे। करते बाद में है, पहले लिख दीजिए ना व्हाट गोज। कहानी में कुछ होना चाहिए, आपका प्यार हो, कोई लड़की आपसे प्यार करती हो, आप उसके माँ बाप से जाके लड़ो, मारपीट हो, कुछ तो। सर सेम चीज लिख दीजिए, उसके बाद हम कर देंगे व्हाट एवर यू राइट सर। अच्छा है कि आप लोग क्या पहले लिखते हैं फिर फिल्म बनाते हैं, वेरी गुड। नहीं कुछ लोग हैं जो ऐसा पहला फिल्म बना देते फिर लिखते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, पहले सब लिखते हैं फिर बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है सर। क्यों? अरे आप बाहुबली को ले लीजिए, अगर पहले लिखा होता तो लोग पढ़ नहीं लेते कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वो पहले बना दिया, उसके बाद फेसबुक ट्विटर पे चल रहे, लिख रहे हैं लोग, अब लिख रहे हैं। इट इज ऑल वर्किंग उल्टा, अपसाइड डाउन चल रहा है पूरा। अर्जुन जी, जी वैसे आज हमको ऐसा मौका मिला है आपसे साक्षात मिलने का, तो हम काफी प्रिपरेशन करके आए। हम बोले कि सब पिक्चर देख के आएंगे आपका, तो हमने सबसे पहले शुरू किया अर्जुन से, बट यार आई डिडंट सी यू, दिखाई नहीं दिए। फिर हमने करण अर्जुन देखा, लीजिए उसके अंदर भी आप एब्सेंट निकले। फिर हमें लगा कि हम जरा पुरानी पिक्चरें देख रहे हैं, नया लेटेस्ट देखते हैं, तो हमने देखा आज का अर्जुन। Where have you been? अच्छा ऐसे थोड़ी ना कि हर अर्जुन नाम की फिल्म में अर्जुन होंगे, ऐसे तो ए वेडनेसडे में तो बुधवार हीरो होगा फिर। अरे हाँ यार, सो ये बात तो आपने सही बता दिया, माय मिस्टेक। मिस्टेक नहीं, मिस्टेक। नहीं नहीं, मिस्टेक में क्या केक आ जाता है ना, तो एक स्वाद आता है बाद में, इसके लिए बस ऐसे ही। वैसे अर्जुन जी एक काम कीजिए ना सर, आप जरा कोई ऐसा तिगड़म बैठा के हमारे जीजा के ऊपर फिल्म बनाइए ना। आपके जीजा कौन है? नहीं नहीं बनाई, अरे देखिए आपने की एंड का पे बनाया, एक जी एंड जा पे बना देंगे, क्या जाएगा यार। श्रद्धा जी लेकिन हाँ, आपका वो फिल्म में एक विलन में वो गालियों वाला गाना था ना, वो बड़ा मजा आया। गालियों? गालियों गलिया गलिया। अच्छा, ओ माय, हेलो पहुंची अगेन। हो सकता है कि नहीं नहीं हो सकता है कि जब हम सुन रहे थे तो लोग हमको कुछ गालियां दे रहे होंगे, तो हमने मिक्स कर दिया वो पूरा का पूरा। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हुआ इस बात पे ये हंसी ना। हाँ। ये जी, आपके आने वाला फिल्म प्रमोट कर दिया हमने तो। ये हंसी ना हुआ कि नहीं, आने वाला इनका फिल्म, वो तो गलती से प्रमोशन हो गया हमसे। वह मुबारक, ले लीजिए ये बात में मुबारक बोल के हमने आपका भी अगला फिल्म प्रमोट कर दिया। लीजिए, ये आज हमसे क्या हुए जा रहा है। कपूर शर्मा एक काम कीजिए, आप जरा विदेश में जाके ना शादी कर दीजिए किसी लड़की से। क्यों? जब वो आएगी तो वो फिरंगी आएगी ना। ए लीजिए। हाथों हाथ एक और प्रमोशन। एनीबडी एल्स? आई एम इन फुल फ्लो टुडे, कर लेंगे। लेकिन श्रद्धा जी, हाँ जी, ट्रूली वन हार्ट टू हार्ट अटैक बात बताएं आपको जी, हमारा आपका एक कमाल का कनेक्शन है। क्या? नहीं है, है। देखिए आपकी जो भी फिल्म आती है ना, वो हम देखने जाते हैं। ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि आपकी फिल्म नहीं आई है और हम देखने चले गए। अरे, ये क्या कनेक्शन हुआ? तो आप कनेक्शन ढूंढ क्यों रहे हैं यार, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। एक सुंदर लड़की और एक मोटा लड़का क्या कभी दोस्त हो सकते? काश ये डायलॉग मुझे बचपन में पता होता। वैसे चेतन जी आप ना, आई रिस्पेक्ट,
मतलब कमाल के राइटर हैं आप. लेकिन हमारे मोहल्ले में अपना एक यादव है फ्रेंड, बड़ा अच्छा लिखता है. उसने कल हमको ये लिख के भी दिया, देखिए वेरी क्लियरली साफ साफ शब्दों में उसने लिखा कि ए बच्चा, अगली बार मेरी बीबी को गंदी नजर से देखा तो तुझे फोड़ दूंगा. ये तो कुछ भी नहीं, आजकल हम भी इन्फ्लुएंस हो गए सर, हम भी अब थोड़ा लिखना शुरू किए. परसों हमने अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखा, वो भी खून से, और गर्लफ्रेंड बेहोश. इतना अच्छा लिख दिया. नहीं नहीं, उसके खून से लिखा ना. हम इतना इन्फ्लुएंस हुए ना आपसे सर, कि हमने भी एक ऐसा बायोग्राफी लिखा है. जी हाँ जी हाँ, हमारी भैंसिया के ऊपर. इट इज कॉल्ड भैंसियोग्राफी बिकॉज इट्स अ लिटिल डिफरेंट. ये देखिए, सच में लिख के लाए हो? हम लिख के लाए सर, ऐसा बात नहीं है. भैंसियोग्राफी बाय बच्चा यादव. थोड़ा सा इसका हम आपको सुना सकते हैं पढ़ के? हाँ. तो कहती है अभी ये क्या बोल रहा है? उसके लाइफ में यही चल रहा है यार. जो चल रहा है वही बताएंगे ना. उसने जैसे जैसे बताया, लेकिन ये छोड़िए, क्लाइमैक्स सुनेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा. क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स सुनाते हैं आपको. लास्ट पेज पे, एकदम लास्ट पैराग्राफ, कहती है और बाकी देखिए, आप लोग एक्सपर्ट लोग हैं, आप लोग प्रोड्यूस करेंगे, लिखेंगे. इतना टचिंग. शुरू में ओ, एंड में ओ, तो बीच में क्या कहती है सर? ओ, दैट इज हर लाइफ सर. दैट इज हर लाइफ. बहुत फील है आपकी स्टोरी में, बहुत फील है. तो आंसू आ गए मेरे को. ये तो कुछ भी नहीं है सर, हम तो एक्चुअली एक बायोग्राफी उसका भी लिखने वाले थे, बकरी का. लेकिन क्या है कि बकरी में मैं बहुत है. हमने जाके जितना उससे बात किया, बार बार करिए मैं. हमने कहा देखिए, आपके ऊपर हमको बायोग्राफी लिखना है, फाइनल डिसाइड कर लीजिए, हम लिखेंगे कि आप. तो कहती है मैं. हमने कहा जाओ यार, जितना एटीट्यूड आप में है ना, आप फिल्म में नहीं प्लेट में आएंगी. बच्चा जोक तो सुना आज फिर कोई. जोक जोक जोक. हाँ जी जोक जोक. सर अभी हम आपको बताते नहीं. एक हम जॉक्स का एक पिटारा है हमारे पास, हम कमाल के जॉक्स सुना जाते हैं. लेकिन क्या है कि उससे माहौल बहुत बन जाता है, बहुत कॉमेडी फैल जाता है. आप अगर कहेंगे प्लीज प्लीज. हाउ स्वीट, अब हम सुनाना ही पड़ेगा. लीजिए तो जॉक्स पेश है. आप लोगों के लिए जॉक्स का बोनी करते हैं. लीजिए आप, बोनी जी का भी ऐसा आ गया, ऐसा बन गया है. तो आपको इससे शक्ति मिलेगी. अरे लीजिए, वर्ड पे वर्ड, वर्ड पे वर्ड जा रहा है. तो लीजिए पेश करते हैं. बोसी बनी जो थोड़ा सा कॉमेडी वाला है. अच्छा, तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा पेट में दर्द करेगा तो होता है. आईपीएल का टाइम चालू है ना, तो क्रिकेट के ऊपर एक थोड़ा सा पेश कर देते. बिल्कुल सीजनल सीजनल जोक लाइक सीताफल. लीजिए तो एक ये अपने धोनी है, क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक पीना है. तो अश्विन से कहते हैं कि यार जरा हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ. तो अश्विन जो है कोल्ड ड्रिंक लेके आए, लेकिन सीधा रोहित शर्मा के पास लेके चले गए. बताइए क्यों? क्यों? बिकॉज रोहित शर्मा इज ओपनर. ओह गॉड. लीजिए मजा आ गया, माहौल हमने बना दिया है. आ गए, यू टेक इट ओवर यार. चलिए चलते हैं. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका.